ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज थी 25-26 वर्ष पहले आपणो आ योगनो सेवानो काम गुजरातना सूरतमां प्रारंभ थयो, अने योग साथे अमे कर्मयोग करता गया। अने योग अने कर्मयोगनो परिणाम आ थयो कि आजे आखा देशमां नहीं आखा विश्वमां पतंजलिनी सफलतानो दाखलो आपवामां आवे छे, ए आपणी ताकत छे। मैंने बोला कि योग और कर्म योग का ये परिणाम है। लोग बात करते हैं सफलता की, सत्ता की, संपत्ति की, समृद्धि की, अवर लाइफ इज योग एंड कर्म योग। दीज ऑल थिंग्स वट एवर वी आर सेइंग दैट पावर प्रॉस्पेरिटी सक्सेस एंड ऑल टाइप ऑफ मेटलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ योगा एंड कर्म योगा। इसलिए अपने जिंदगी में हमेशा एक संकल्प लो कि मुझे जीवन में केवल दो ही काम करने हैं, योग करना है, कर्मयोग करना है, योगी बनना है, कर्मयोगी बनना है, बाकी आप दुनिया के लिए उपयोगी तो अपने आप बन ही जाओगे। तुम योगी थाओ, कर्मयोगी थाओ, जे योगी होए, जे कर्मयोगी होए, ये आखा विश्व माटे उपयोगी तो थाय। लोग ना, मैंने देखा परिणाम सब अच्छा चाहते हैं, सब चाहते हैं वो हेल्दी रहें, सब चाहते हैं वो स्वस्थ दिखें, सुंदर दिखें, सब चाहते हैं लंबा जिए, सब चाहते हैं वो सफल बने, सब चाहते हैं कि उनका पूरे विश्व में सम्मान हो, घर में, परिवार में, समाज में तो हो ही, वो जहां भी जाए वहां उनका सम्मान हो। इसके पीछे सारी दुनिया पागल है, सत्ता के पीछे, संपत्ति के पीछे, सम्मान के पीछे। लेकिन ये सारी चीजें प्राप्तव्य नहीं है, ये तो कर्तव्य का परिणाम है। मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे सत्ता मिले और आज भी नहीं चाहता हूं। मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे संपत्ति मिले और आज भी नहीं चाहता हूं। मैंने कभी अपेक्षा नहीं की कि लोग मेरा सम्मान करें। कभी नहीं चाहा कि मुझे इस व्यक्ति से, इस वस्तु से और इस चीज से मुझे सुख मिले। लेकिन सत्ता, संपत्ति, सम्मान, सुख, सफलता, ये तो आपको अपने आप मिलते हैं जब आप योग और कर्म योग करते हो। इसलिए मैंने हमेशा इस बात को कहा कि आप योग करो, कर्म योग करो, बस। हम लोग जो नहीं करना चाहिए उसके, ये करने की चीज नहीं होती है। सफलता इज नॉट डूइंग थिंग, सक्सेस इज नॉट डूइंग थिंग, डूइंग थिंग इज वर्क, एग्जीक्यूशन, हार्ड वर्क, ये डूइंग थिंग है, उसका रिजल्ट सक्सेस है। काम के बारे में लोग चर्चा नहीं करते, सक्सेस के पीछे पड़े हुए। पावर चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सक्सेस चाहिए, प्लेजर चाहिए, डिफरेंट प्रकार के और मैटेरियलिस्टिक थिंग्स चाहिए, लेकिन बेसिक चीज ये है जिंदगी में। कल भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये पिछले लगभग पता नहीं कितने 50-60 वर्षों से देश में काम करते हैं। उसके अभी बाई चांस जो हीरो ग्रुप के जो चेयरमैन साहब मुंजाल जी, उनका बेटा सुनील मुंजाल जो है, जो बड़ा बेटा है, उसका प्रेसिडेंट था। तो उसने कहा, स्वामी, मैं उस परिवार से मेरे करीब 15 साल पुराने रिश्ते हैं,
तो उन्होंने कहा कि समझे अभी मैं मेरा ये आज जो कल उनका जो एसोसिएशन का था तो कि मेरा अंतिम उसमें कार्यकाल में अध्यक्ष का टर्म पूरा हो रहा है तो आप एक बार सबको आकर के ब्लेस करके जाओ। तो कल रजत शर्मा जी और हम दोनों ही थे तो उस कार्यक्रम को उन्होंने जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का जो वर्कशॉप था उसको उन्होंने आपकी अदालत का स्वरूप दे दिया और ये भी आपके अदालत का पहला कार्यक्रम था इस तरह का फॉर्मेट नया चेंज कर दिया। तो उसमें कुछ इस तरह के इश्यूज थे तो मैंने उसमें भी कुछ बात की। एक ने पूछा, एक सिस्टर थी, कि स्वामी जी आप भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हो। मैंने कहा मैं भारत की सबसे बड़ी समस्या देखता हूं इलिटरेसी, जो आजकल के यंगस्टर्स को समझ में आती है। इसके और बड़ा शब्द है इग्नोरेंस, ईगो। तो मैंने कहा इलिटरेसी कहे तो इलिटरेसी को ना लोग थोड़ा बहुत सीमित दायरे में बांध लेते हैं। क्यों पढ़ा लिखा होना चाहिए, दुनिया को खतरा पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा अनपढ़ लोगों से कम है। जितने भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जितने बड़े बड़े आतंकवाद को और त्रासवाद को टेररिज्म को जो संचालित कर रहे हैं, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। इलिटरेसी किस तरह की ही, इसको थोड़ा बड़े रूप में बोलते हैं तो उसको इग्नोरेंस बोलते हैं, और उसको बहुत बड़ा शब्द हमारे यहाँ पर अविद्या, अज्ञान। हमें अपने बारे में बोध नहीं, धर्म के बारे में, धर्म का तत्व तो किसको पता है। लोग इस डिफरेंट कार के सिंबल्स को, अलग अलग प्रकार के प्रतीकों को, कस्टम्स को, इनको ही धर्म मान करके बैठ गए। धर्म तो जीवन का श्रेष्ठ आचरण है। धर्म के बारे में लोगों को ठीक ठीक बोध नहीं है, कर्म के बारे में ठीक ठीक बोध नहीं है, अपने कर्तव्य के बारे में ठीक ठीक बोध नहीं है, अपने देह के बारे में ठीक ठीक बोध नहीं है। देह तो देवालय शिवालय है, अपने देश के बारे में ठीक ठीक बोध नहीं है। भारत की जो और विश्व की जो पूरी एक सामाजिक संरचना है, एक वैश्विक संरचना है, कि किस तरह से अपने देश की बात करें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित शूद्र, और फिर ये सारे समाज को किस तरह से हमें आगे लेकर के बढ़ना है, सर्व समाज को आगे लेकर के, ये बहुत कम लोगों में बोध है। मेरे से एक ने पूछा बाबा जी आप क्या हो। मैंने कहा मैं सब कुछ हूं। मैं दिमाग से ब्राह्मण हूं, मैं बल से क्षत्रिय हूं, मैं अपने कार्य से वैश्य हूं, व्यवहार से, व्यवसाय से, व्यापार से, योग से मैं ब्राह्मण हूं, उद्योग से मैं वैश्य हूं, और पराक्रम से मैं क्षत्रिय हूं, और सेवा से मैं शूद्र हूं। इसलिए सारे वर्णाश्रम धर्म मुझ में बसते, और ये सबके लिए बोल रहा हूं मैं। ब्राह्मण से मुखमासीत बाहु राज पदभ्याम शूद्र अजायत। कहते पैर शूद्र होते हैं, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये ब्राह्मण। अच्छा किसी को प्रणाम करना हो, माता पिता को या पंडित जी को भी प्रणाम करता हो तो उसका माथा को छूते हो, जैसे हमारा देखो ये पंडित जी बैठा है, अब इसके माथे को छू के प्रणाम करते हैं कि किसी के भी चरण को छू के। तो ब्राह्मण को भी इधर छूते हैं या इधर छूते हैं, क्या कहां छूते हैं, माथे को छूते हैं कि पैर को, पैर को छूते हैं। इसलिए शूद्र पूज्य होता है, अछूत नहीं होता है। लेकिन उल्टी पुल्टी बातें हमने सीख ली। मैं कह रहा था सबसे बड़ी समस्या देश की इग्नोरेंस है, इलिटरेसी, थोड़ा छोटा शब्द है, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सही समझ नहीं, सही बोध नहीं, सम्यक बोध ना होना इस राष्ट्र की। और आज मैं यहां आया हूं तो इसका भी मूल यही है कि आपको यदि अपने सामर्थ्य का पूरा बोध होता, पतंजलि के सामर्थ्य का पूरा बोध होता, तो मुझे मीटिंग में नहीं आना पड़ता। ये मेरा एक ही काम है, आपको आत्मबोध कराना। आप जिस कार्य में लग रहे हो उस कार्य का, अपने कर्तव्य का बोध कराना, और व्यापक रूप में अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराना, और ज्यादा व्यापक परिप्रेक्ष्य में कहें तो आपको अपने इस समष्टि के प्रति, पूरे इस ब्रह्मांड के प्रति, इस पूरे अस्तित्व के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं उससे आपको परिचित कराना, ये मेरा मूल कार्य है। एक बहुत बड़े समझदार आदमी थे, वो भारत के किसी कंट्री में ब्रांड एम्बेसडर, उन्होंने कहा कि स्वामी जी
आप देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप क्या सोचते हो कि आपके जाने के बाद लोग आपको किस रूप में याद करें? मैंने कहा मुझे एक इंसान के रूप में याद करें, मुझे कोई भगवान के रूप में याद ना करे। चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करें, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करें। सर्व धर्मों से ऊपर राष्ट्र धर्म को माने, सेवा धर्म को माने। लोग ना उल्टे पुल्टे बहकावे में आ जाते, ये ठीक नहीं। वापस अपने मूल बात के ऊपर आता हूं। मैंने एक एक संदर्भ में घंटों घंटों चिंतन किया है। मैंने व्याकरण शास्त्र से लेकर के दर्शन, उपनिषद, वेद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र सबका अध्ययन किया है और कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, उनको आपके बीच में कह रहा हूं। देखो, जीवन का सत्य है सुख, कार्य का सत्य है सफलता। कोई भी कार्य का संपूर्ण रूप से देखें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सब कार्यों का सत्य सफलता के अलावा दूसरे शब्द में बोले तो विजय। जिस कार्य में आपको सफलता नहीं मिली, जिस कार्य में आपको विजय नहीं मिली, तो कार्य करना आपका बेकार है। आपकी परफॉर्मेंस, इसका मतलब जितनी होनी चाहिए वैसी है ही नहीं। संबंधों का सत्य प्रेम है, भगवान का सत्य शरणागति। आपको भगवान का दर्शन हो गया तो इसका मतलब आप भगवान की शरणागति में आ गए। अब आप व्यक्ति नहीं रह गए, आपके माध्यम से ईश्वरीय शक्ति काम करने लग गई है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम ता सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि वासुच। ये भगवान की शरणागति का सत्य है। हर एक चीज का, कोई किसी भी तरह का उद्योग है उसका सत्य क्या है? लाभ है। कोई भी व्यवसाय है, उद्योग है, उसका सत्य लाभ। अलग अलग संदर्भों में मैं बातों को कहता हूं। मैंने हर एक संदर्भ में घंटों घंटों विचार किया है, चिंतन किया है, पढ़ा है और खुली आंखों से इस सृष्टि को देखता हूं। और देखने का सत्य क्या है? अदृष्टि ही देखने का सत्य है। क्या बोला मैंने लास्ट वाक्य? क्या बोला? देखने का सत्य क्या है? अदृष्ट का मतलब क्या होता है? और बता जाना हो जो ना, देखने का सत्य है अदृष्ट। जो नहीं दिख रहा वो सत्य है, और जो दिख रहा है वो आंशिक सत्य है। दिस माय बॉडी इज विजिबल एंड माय सेंसेस, माय सोल इज इनविजिबल। ये जो दिख रहा है ये तो दृष्ट सत्य है थोड़ा सा। ये तो अदृष्ट सत्य जो आत्मा है, जो इसमें नहीं दिखता, वही पूर्ण सत्य है। दिस यूनिवर्स इज विजिबल ट्रूथ। ये बहुत साधारण सत्य है। अनविजिबल ब्रह्म, जो इनविजिबल ब्रह्म है, वो अल्टीमेट ट्रूथ है। ये देखने का सत्य है। आपको आज मैं शिक्षा तो देने आया हूं, उद्योग की, मैनेजमेंट की, व्यवसाय की और विजय की। हमने यूं बीज तो डाल दिया था आज से 25-30 साल पहले इस पूरे स्वदेशी का, और मेरे भीतर तो बचपन से ही बीज पड़ा हुआ था। मुझे किसी ने स्वदेशी को सिखाया नहीं। मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था उस समय तो स्वदेशी जागरण शब्द भी नहीं होता था। स्वदेशी हमने शब्द नहीं सुना गुरुकुल में, लेकिन मन में एक संकल्प था, मुझे विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना। आपको हैरत होगी, मैं जिंदगी में कभी भी लाइफ बॉय साबुन से नहीं नहाया। पहले गांव में एक लाइफ बॉय साबुन होती थी, भाटे जैसी होती थी। पूरे गांव में कोई शादी ब्याह होता था तो एक साबुन रख दी जाती थी, पूरे बराती उसमें एक में नहा लिया करते। और कोई साबुन ही नहीं होती थी नहाने। गांव के लोग तो वही कपड़े धोने की एक साबुन आती थी तेल की बनी हुई, उसमें कपड़े भी धो लिया करते थे और उसी को एक बार सिर में भी लगा लिया करते थे। इतना होता था। वो तेल वाली, ऑयल वाली, ऑयल सोप होती थी जो कपड़े धोने वाली। मैं आपको बात ही कह रहा हूं, मैंने जिंदगी में कभी भी बचपन से लेकर के और आज तक विदेशी साबुन लगाया ही नहीं, क्योंकि पतंजलि के साबुन बनने से पहले मैंने कभी साबुन लगाया ही नहीं। और पतंजलि वाला भी बस थोड़ा बहुत इधर लगाता हूं, थोड़ा सा इधर लगाता हूं,
बस थोड़ा बहुत, वो भी रोज नहीं लगाता हूं, लेकिन लोगों को आदत पड़ गई, इसलिए मैंने कहा ना लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, और लगाओ तो केवल देसी ही लगाओ, विदेशी मत लगाओ। उसके लिए पतंजलि के बढ़िया बढ़िया बना रखे आपको। मैं कभी साबुन नहीं लगाता, अभी भी हमारे बहुत से साधु संत हैं साबुन नहीं लगाते हैं, जैन मुनि तो कभी लगाते ही नहीं, वो तो नहाते ही नहीं, वो तो कपड़े से कुछ तो गीले कपड़े से भी शरीर को नहीं पूछते, बोले नैसर्गिक रहेंगे हम तो ऐसे ही। मैं कपड़े नहीं धोता था कभी भी, उस समय हम ये निर्मा वालों की साबुन थोड़ी चला करती थी और उससे कपड़े अच्छे से धुलते नहीं थे, तो फिर वो रिन का प्रयोग करते थे, तो हमको किसी ने बोले विदेशी कंपनी, हमको तो पता ही नहीं था ये देसी विदेशी क्या है, कौन सी कंपनी देसी है कौन सी विदेशी, अब तो हमने सारी दुनिया को बता दिया, तो बोले रिन विदेशी कंपनी है, तो हमारे बहुत से मित्र वो रिन लगाया करते थे, क्योंकि ब्रह्मचारी थे तो सब गुरुकुल में पढ़ते, सफेद कपड़े पहनते थे। मैंने कभी भी रिन साबुन से कपड़े नहीं धोए, धोते कहाँ पहनते ही कहाँ थे, खाली दिसंबर जनवरी में दो ऊपर एक ऊपर एक नीचे ऐसे सभी अभी पहने हुए ना, ऐसे दिसंबर जनवरी में पहनते थे, बाकी एक तौलिया लपेट के रहते थे, उसको 15-20 दिन में एक बार धो लिया करते, बाकी ऐसे नहाए तो उसको बस एक बार उसको थोड़ा ऐसे ऐसे किया और धुल गया। गायों के बीच में रहते थे, सुबह शाम गौ सेवा करना, दिन भर काम करना, लेकिन फिर भी जितना भी समय काम के लिए मिलता था काम करते थे, जितना समय सेवा के लिए मिलता था सेवा करते थे। मैं कहता हूं हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को बहुत अच्छा बनाना है तो एक काम बचपन से करना चाहिए, बच्चों को प्रचंड पुरुषार्थ करने का अभ्यास बचपन से ही कराना चाहिए। मैं दो शब्द अक्सर बोला करता हूं, विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ऐसा हमें जीना चाहिए। क्या बोला, दोनों शब्द बोलना, विकल्प रहित और अखंड प्रचंड। बच्चों को ऐसी आदत बनाए कि बेटा एक बार जो संकल्प ले लो फिर उससे पीछे हटना नहीं है, और उसको पाने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है। ऐसा छोटी छोटी बातें, मैं आपसे बात ही कह रहा था कि मैं आज जो यहां पर आया हूं आपको खाली ये बताने आया हूं, यू हैव अनलिमिटेड नॉलेज इमोशंस एंड स्ट्रेंथ, आपके पास अनंत असीम अथाह अपरिमित ज्ञान, अपरिमित संवेदनाएं और अपरिमित कर्म पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य है, आप उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं करते हो। आपको भगवान ने जो शक्ति दे रखी है आप उसका 1-5% ही इस्तेमाल कर रहे हो, अपने नॉलेज का, अपने इमोशंस का, अपने ज्ञान शक्ति का, अपने संवेदना की शक्ति का, भाव शक्ति का, ज्ञान शक्ति भाव शक्ति एक कर्म शक्ति, तीन ही तो शक्तियां हमारे पास। आप अपनी ज्ञान शक्ति का, भाव शक्ति का, कर्म शक्ति का 1-5% प्रयोग कर रहे हो खुद के पास होते हुए, इसको कहते हैं अज्ञान, अविद्या, इग्नोरेंस, ये है मूल अर्थ में इलिटरेसी, आजकल बोल रहे थे पावर्टी और इलिटरेसी, ये दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं भारत की और दुनिया की भी। जैसे आपको भगवान ने बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के सबको समान रूप से सारा ऐश्वर्य दिया हुआ, सब कुछ ढेल दिया परमात्मा ने, भगवान जैसा भी दयालु कोई नहीं, इसलिए हम एक अक्सर भजन गाते हैं ना, भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, मात पिता बंधु व सखा सारे जग का आधार वही है। आप कई बार मेरे से भजन आदि सुनते हो लेकिन आज भजन सुनाने थोड़ी आया आपको, मैं इसलिए बोल रहा हूं भगवान ने इतनी कृपा करके हमको इंसान बना दिया और इंसान बना करके भी भारत भूमि में पैदा कर दिया, और भारत भूमि का हर एक गांव का अपना एक, ये तो एक 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 इस मिट्टी का कण वो दिव्य है, क्योंकि हर जगह इस धरती पर ऋषि मुनियों के, तपस्वियों के, महापुरुषों के चरण पड़े, हर एक गांव में इतने
ऋषि मुनि तपस्वी योगी साधु सन्यासी महापुरुष हुए, उनके हम सब संतान और हर जगह उसका महिमा है। और उसमें भी हर एक प्रांत की महिमा, हर एक गांव की महिमा, उसमें गुजरात की महिमा, भगवान कृष्ण के द्वारिका से लेकर, देखो कितना पसंद आया भगवान कृष्ण को, कहा मथुरा वृंदावन वहीं खेल छोड़ाए, आकर के बस गए द्वारिका गुजरात। इसका मतलब शुरू से ही सबको गुजरात प्रिय है, है? भगवान कृष्ण ने प्रिय हतो, अमने पण गुजरात प्रिय छे। अमारा जे ने हमें आध्यात्मिक आपड़ा गुरु मानिए छे, जिसको मैं अपना आध्यात्मिक गुरु मानता हूँ, ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वदेशी को जिनको आदर्श मानता हूँ, ऐसे महात्मा गांधी, और स्वाभिमान का, राष्ट्रीय एकता अखंडता संप्रभुता और पराक्रम का जिनका आदर्श मानता हूँ, वो लोकप्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आधुनिक भारत के आइकॉन मोदी जी, सब भारत बोला भाई गुजरात ठीक से बोला। मोदी जी नाम है ना, तो बता गुजरात नाम घोर छो, हमारा गुजरात नाम है, तू पण मोदी जी वो छे मारा दीकरा। ए मोदी जी बिचारा एक साधारण परिवार में तो पैदा हुआ ना, बोलो। ए आप सब तो मोदी जी से ज्यादा अच्छे घर में पैदा हुए हो, कुछ तो ज्यादा ही तगड़े हमारे भाई जैसे। तो घना बदाम के हम मोदी जी हमारा गुजरात ना गौरव छे, राष्ट्र ना गौरव छे, अरे तू पण राष्ट्र नो गौरव छे भाई, जुओ देखो दादा नो फोटो पाछे आवी जशे, हां सरस, अत्यारे सेल्फी ने सेल्फी ने कोशिश नहीं करो, जे हूँ कहूँ छे ने सांभळो, अने पोतानी डायरी में लखी लो, डायरी छे तमारा पासे, हाँ एमां लखी लो थोड़ी बातो, ए टेक्नोलॉजी नो बाद में प्रयोग करजो थोड़ी बातों ना। क्या होता है ये मोबाइल में सुनने का शब्द, मैं देखो एक बात बोलता हूँ, मैं हमेशा पेन डायरी अपने पास में रखता हूँ, मेरे झोले में कुछ नहीं होता, खीसा में घना बदाम सोचता हूँ कि स्वामी जी दरेक वक्त पोता ने खीसा ने साथ राखे, आ झोला में शू छे, आम तो खीसा छे नहीं। हाँ बन्ने तरफ साफ छे बधु कुछ छे, झोले में स्वामी जी क्या रखते हैं, इस झोले में खाली मेरी डायरी और पेन होता है और कुछ नहीं होता है, मेरा चलता फिरता ऑफिस उसी में रहता है, उसी में मैं नोट करता हूँ हर समय कुछ ना कुछ, आपको पूरे इस अस्तित्व से सीखने को मिलता है। तो आप इसमें सबसे पहला वाक्य लिखो, मैं कौन हूँ, यही जीवन का सबसे बड़ा बोध। महर्षि दयानंद सरस्वती जब गुरु विरजानंद के पास गए, टंकारा गामना में पैदा थे ना महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य समाज ना संस्थापक, इस युग के बहुत बड़े ऋषि चिंतक महापुरुष हुए, तो अपने गुरु के पास गए तो दरवाजा खटखटाया, तो गुरु विरजानंद ने पूछा तो कौन, तो अंदर से जब पूछा गुरु जी ने विरजानंद जी कौन, तो महर्षि दयानंद का उत्तर था, बस यही जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इसको सुबह उठ करके एक बार सोचा करो, लिखो। हाँ याद नहीं रहे पछी, हाँ मने खबर छे तमने केटलो याद रहेशे, अत्यारे तो बधुं याद छे, पछी थोड़ी देरमां भूलाई जाय पछी, आम के बे घंटा मने सांभळी ले, पछी के स्वामीजी के केम लाग्या, वो बहु सरस सरस बातो करी, बोले शुं वात करी, बोले ए नहीं पूछो, याद नहीं रहे हमको ना, दो तीन शब्द याद रहते हैं, दो तीन संदर्भ याद रहते हैं, बाकी हम भूल जाते हैं, इसलिए अब भूल ना जाओ, इसलिए आपको नोट करा रहा हूँ, क्योंकि तीन शब्द से ज़्यादा आपको याद नहीं रह पाते। आपने दर्शन शास्त्र सुना, दर्शन शास्त्र सुना ना, कितने दर्शन होते हैं, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा, छः दर्शन शास्त्र है, ये तो बहुत बार सुना आपने, जरा इन छः का नाम बता सकता आप में से कोई भी, अभी छः मैंने बोला है, अभी बोलो, अरे कितना धीरे धीरे बोला था, फिर से बोल दे, तो सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा कौन नया छे, तो भूली गई। तो सांख्य योग बे शब्द याद रहा, आगा त्रिजु शब्द शू हतो, आगळ वाला नहीं बोलता, न्याय चौथु वेदांत, तो पछी पांचवु हतु वैशेषिक, पहले हतु
न्याय वैशेषिक ये मैंने जोड़ा छे, पची वेदांत फिर मीमांसा। अब किसी ने पहले थोड़ा बहुत सुनावा था तो वो एक बिटिया बैठ करके बोल रही है क्योंकि उसका बच्चा आचार्य कुलम में पढ़ता है तो अपनी माँ को आके पढ़ा देता है। तो मैं आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है ना, दो तीन शब्द तो याद रह जाते हैं, उसके बाद में क्या हो जाता है, आप भूल जाते हैं। तो मैं कौन हूं, तो इसका उत्तर लिखो नीचे, याद रखना। मैं इसी से शुरुआत करता हूं अपनी सुबह रोज, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ईश्वर की ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूं और उन्हीं का वर्तमान हूं। मैं ऋषि ऋषिकाओं की, मैं ईश्वर की ऋषि ऋषिकाओं की संतान और उन्हीं का वर्तमान हूं। पूरा मेरा जो मूल कार्य है वो एक आचार्य का है, पढ़ाने का काम करता हूं मैं, ये सब पढ़ा रहा हूं। मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूं, मैं पॉलिटिक्स भी पढ़ाता हूं, मैं फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, माइक्रोबायोलॉजी भी, हेल्थ भी, एजुकेशन, ये सब सब मेरा सब्जेक्ट है ये सब। मैं कौन हूं, तो मैं ईश्वर की ऋषि ऋषिकाओं की संतान और उन्हीं का वर्तमान हूं। ये जब इतना सा बोध रहेगा ना आपको, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है ना वो टोटली चेंज हो जाएगा। डिवाइन फ्रीक्वेंसी में जिएंगे, लोअर फ्रीक्वेंसी में नहीं, हायर फ्रीक्वेंसी में। दो चेतना के स्तर होते हैं हमारे, एक निम्न चेतना, एक उच्च चेतना। उच्च चेतना में आप रहेंगे।